हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू द जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट। रेणु पावर डिवीज़न हिंडाल्को रेणु सागर सोनभद्र एक ऐसा पावर प्लांट है जहां पे इलेक्ट्रिक थर्मल मेथड से जनरेट की जाती है। आइए हम डिस्कस करते हैं कि रेणु पावर डिवीज़न हिंडाल्को रेणु सागर सोनभद्र में कैसे इलेक्ट्रिक जनरेट की जाती है। क्रेसिंग द कोल इन कोल माइन। सबसे पहले क्रेसिंग करते हैं कोयले को। कोयले को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर डिवाइड कर लेते हैं। उसकी रीडिंग स्केल की सहायता से उसकी एक फिक्स क्वांटिटी उसको डिवाइड प्रोवाइड कर देते हैं। फायर टू द बॉयलर। इसको बॉयलर में फायर करते हैं। बॉयलर में एक एमएस ट्यूब, एक वाटर वॉल एंड टू ड्रम्स होते हैं। फर्स्ट ड्रम लोअर ड्रम कहलाता है और सेकेंड ड्रम अपर ड्रम कहलाता है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जनरेट द स्टीम। बॉयलर को गर्म करके हमें उससे स्टीम प्राप्त करना होता है। यह स्टीम तीन प्रकार से होती है, एक वेटेड स्टीम, ड्राई स्टीम एंड सुपर स्टीम। वेटेड स्टीम में कुछ क्वांटिटी वाटर की सेव हो जाती है, इसलिए हम इसे वेटेड स्टीम कहते हैं। ड्राई स्टीम या ओनली सिंपल स्टीम होती है एंड सुपर स्टीम। ड्राई स्टीम को और अधिक अच्छे स्टीम में कन्वर्ट करके सुपर स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। कूलिंग टावर के थ्रू जो भी स्टीम सुपर स्टीम से जो भी कुछ शेष क्वांटिटी हम लोगों को प्राप्त होती है उसे ठंडा करता है तथा प्लांट में वापस भेज देता है। प्रेशर टू द टर्बाइन ब्लेड। अब प्राप्त स्टीम को हम लोग टर्बाइन के ब्लेड पर अप्लाई करते हैं। टर्बाइन के ब्लेड पर अप्लाई करने पर टर्बाइन का रोटर कपलिंग जनरेटर से कनेक्टेड होता है। टर्बाइन पर स्टीम अप्लाई करने के बाद रोटर रोटेट करने लगता है और कपलिंग जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है फ्रिक्शन के द्वारा। अब इस प्राप्त इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग यार्ड में स्टोर करते हैं और हेल्प ऑफ द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू इस प्राप्त इलेक्ट्रिसिटी को हाई लेवल इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तथा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर द्वारा इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।